जनपद मैनपुरी में दिव्यांग लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आपको बता दें कि ट्राई साइकिल का वितरण किया गया है और कार्यालय में दिव्यांग लोगों को, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां दिव्यांग लोगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। तो ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने 80 दिव्यांगजनों को मोटराइज ट्राई साइकिल का वितरण किया। ऐसे मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को दी गई ट्राई साइकिल उनके लिए वरदान साबित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए यह पहला कदम उठाया है। वहीं ट्राई साइकिल के लिए दिव्यांगजन अपने रोजगार प्रतिष्ठान पर समय से पहुंचेंगे और ट्राई साइकिल दिव्यांग लोगों के लिए उड़ान भरने का काम करेगी। प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत चिंतित रहती है और सरकार का प्रयास है कि ऐसे लोगों को उनके सहयोगी उपकरण समय समय पर बढ़ते रहें। अरे नीचे कर 2023 में प्रथम बार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा विकास भवन पर इस तरह की योजना 80 लाभार्थियों को जो चिन्हित थे उनको साइकिल जो मोटराइज है बैटरी से संचालित है देने का काम किया गया है। गुलशन जी ये बताइए कि आज आपको ट्राई साइकिल मिली है, इससे क्या क्या फायदे होंगे और क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए लाभ मिलेगा जी, ठीक है, और हम अपने अच्छे कोई सी भी जॉब के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और इसी को जीवन आसान हुआ है। अच्छा, आने जाने में क्या परेशानी होती थी? आने जाने में परेशानी होती थी, एक तो बैठ जाता था, एक और ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब ये कोचिंग वगैरह अच्छे से लगा पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। बरसों के सपने साकार हुए हैं, सरकार ने जो हमें मोटराइज द्वारा दी गई है इससे हम अपने सभी सपने पूरे कर सकेंगे। अच्छा, ये क्या हाथ से चलेगी या ऐसी चलेगी? नहीं, हाथों से चलेगी तो क्या ये इसमें बैटरी चार्ज करेंगे? अच्छा, इसमें हाथ चलाने की जरूरत नहीं है? नहीं। अच्छा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? उसमें ट्राई साइकिल में हैंडल मारते मारते थक जाते थे जी, इसमें मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चला सकेंगे हम। मुझे फिर से एक नई उड़ान मिल गई है, मुझे ये समझिए आप, पैर मिल गए मुझे।